टुडे द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. सो आई एम इंट्रोड्यूसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग द ह्यूमन परसनैलिटीज़ मिच्योरेशन सो वट इज़ ग्रोथ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कम टू नो ग्रोथ रिफर्स टू फिजिकल इंक्रीज इन सम क्वान्टिटी ओवर टाइम इसका मतलब ये है कि वक्त के साथ जो इंसान की फिजिकल चेंजेज़ आती हैं जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ रही है उसके अंदर जो फिज़िकल तब्दीलियाँ आ रही हैं फिजिकल चेंजेस आ रही हैं उसका नाम ग्रोथ है इट इंक्लूड्स चेंजेस इन टर्म्स ऑफ हाइट वेट बॉडी प्रोपोर्शंस एंड जनरल फिजिकल अपेरेंस मतलब कि आपके वेट हाइट और बॉडी के जो प्रोपोर्शंस में जैसे जैसे इंक्रीज़ आ रहा होता है उसका नाम ग्रोथ है ग्रोथ जो है हम uh, क्लियरली ये कह रहे हैं कि इट इज़ इंक्रीज फिज़िकल इंक्रीज इज़ रिफोर्ड टू द ग्रोथ एंड इन इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के मुताबिक ग्रोथ इज़ डिफाइंड एज इंक्रीज इन साइज़ और द अमाउंट ऑफ एंटिटी और एन एन एंटिटी एंटिटी का मतलब कि आपकी जो पूरी एक कंप्लीट जो जैसे आर्गन बढ़ रहा है हड्डियाँ बढ़ रही हैं और इसी तरह से बॉडी जो है उसकी तमाम जो अपेरेंस जो है उसकी तब्दीली आ रही है क्योंकि उसके अंदर ग्रोथ का मतलब है बढ़ रही हैं और जो एक बच्चा है वो चाइल्ड से जो है वो टीन uh, एज की तरफ जैसे जा रहा है या टीन ऐज से जो है वो uh, उसकी एडल्टूड की तरफ जा रहा है डोलोसेंस की तरफ जा रहा है तो ये सारा जो फिज़िकल चेंज आ रहा है इसका नाम ग्रोथ है इट मीन्स ग्रोथ इन्वॉल्व आल दोर स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस दैट टेक प्लेस विद एन इंडिविजुअल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेच्योरेशन एक इंसान जो इमेचोरिटी से मेच्योरेशन की तरफ जा रहा है वो किस टर्म में जा रहा है फिजिकल टर्म में तो फिज़िकल टर्म में हाइट वेट और बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर जो तब्दीली आ रही है उसका नाम ग्रोथ है फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रोथ ऑफ़ अ चाइल्ड मीनस द इंक्रीज इन वेट हाइट एंड डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द चाइल्ड्स बॉडी जैसे जैसे बच्चे का वेट बढ़ रहा होता है जैसे जैसे बच्चे की जो है वो उसके ऑर्गन्स के साइज़ जो है इंक्रीज हो रहे होते हैं उसको हम कह रहे हैं कि जी बच्चे की ग्रोथ हो रही है और ये उसकी एक नेचुरल जो है प्रोसेस है इंसान का कि जैसे जैसे इंसान का Uh, पैदा होने के बाद उसकी उम्र बढ़ती है साथ साथ उसकी जो है बॉडी में तब्दीलियाँ आती हैं उन तब्दीलियों को जो है फिज़िकल चेंजेस जो हैं उन फिज़िकल चेंजेस को का नाम हम ग्रोथ कह रहे हैं इसी तरह से कुछ जो एजुकेशनिस्ट और साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ग्रोथ को डिफ़ाइन किया है हर लॉक हैज़ डिफाइंड ग्रोथ हैज़ चेंज इन साइज इन प्रोपोर्शन डिसअपेरेंस ऑफ ऑल्ड फीचर्स एंड एक्विजिशन ऑफ न्यू वंस हर लॉक का कहना है के जो फिज़िकल चेंजेस हैं बॉडी के अंदर उसका नाम ग्रोथ है और ओल्ड जो फ़ीचर्स हैं उसको छोड़ के नए फीचर्स की तरफ़ जाने का नाम जो है वो ग्रोथ है मतलब यही हुआ कि हम जो हैं जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ रही है इसी तरह से हम पिछले वाला जो अपना जैसे चाइल्ड हुड है उसको छोड़ के हम टीन की तरफ़ जा रहे हैं तो हम एक स्टेज जो है इंसान इन, की डेवलपमेंट uh, की या uh, उसकी जो बढ़ने की है उसको छोड़ के अगली स्टेज पे जब जा रहे हैं तो इसका उसके नाम उसने ग्रोथ दिया है इसी तरह से क्रो एंड क्रो कह रहा है कि ग्रोथ रिफ़र्स टू स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस यानी अब इट इज़ वेरी क्लियर कि जो बॉडी स्ट्रक्चर में तब्दीली है और जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं वेट हाइट है, एंड बॉडी प्रोपोर्शन उसका नाम ग्रोथ है ग्रोथ रिफर्स टू एन इंक्रीज इन फिजिकल साइज ऑफ होल और एनी ऑफ इट्स पार्ट्स एंड कैन बी मेजर मेजर्ड का मतलब यह है कि ये क्वान्टिफेबल है इसकी क्वान्टिटिटी जो है उसके हिसाब से ये बढ़ रही है ये जैसे इतने कितना कद है जी इतने फुट कद है या हम कहते हैं जी कितना वेट है जी इतने किलोग्राम्स वेट है तो ये सारी चीज़ें जो है ये मेजरेबल हैं तो याद रखिए इस बात के अंदर कि हमें ग्रोथ का मतलब ये है कि इसकी हम क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं सो नेक्स्ट द कॉन्सेप्ट इज डेवलपमेंट वट इज़ डिवेलपमेंट डिवेलपमेंट रिफर्स टू द क्वालिटेटिव चेंजेस इन द ऑर्गेनिज्म एज होल डिवेलपमेंट जो है ये अब जो ग्रोथ थी वो क्वांटिटेटिव चेंजेस का नाम था डेवलपमेंट जो है ये क्वालिटेटिव चेंजेस का नाम है क्वालिटेटिव का मतलब ये है कि आसानी से मेजरेबल नहीं होती और क्वालिटी का मतलब ये है कि कितना अच्छा कितना बुरा या कितना जो है बिहेवियर जो है इसका अच्छा है या बुरा है तो ये क्वालिटेटिव टर्म इसको हम कहते हैं यहाँ पे डेवलपमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस थ्रू विच फिज़िकल इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल चेंजेस अगर कि जैसे जैसे इंसान में हो रहा होता है अपनी उम्र के साथ तो उसकी जो है वो पर्सनैलिटी के फोर आस्पेक्ट्स जो हैं जिसको हम कहते हैं कि ये फिज़िकल मेंटल और जो है इसका सोशल और इमोशनल ये चार जो एस्पेक्ट्स उसकी पर्सनालिटी के हैं ये उसकी उम्र के साथ साथ जो है वो बढ़ रहे होते हैं तो इन सारों के अंदर जो तब्दीली आ रही होती है ओवरऑल जो इंसान की पर्सनैलिटी में चेंज आ रहा होता है उसका नाम डिवेलपमेंट है तो ग्रोथ जो है वो सिर्फ फिज़िकल इंक्रीज का नाम था सिर्फ फिज़िकल चेंज का नाम था जबकि डेवलपमेंट जो है ये ओवरऑल पर्सनैलिटी के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं उसका नाम जो है वो डिवेलपमेंट है इट इज़ मोर वाइडर एंड कॉम्प्रीहेंसिव टर्म दैन ग्रोथ इट इज़ आल्सो पॉसिबल विदाउट ग्रोथ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट हियर दैट डिवेलपमेंट डजेंट नीड ग्रोथ बिकॉज थ्रू द नेचुरल प्रोसेस द इट इज़ बिकॉज इट 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 इंक्लूड्स फोर आस्पेक्ट्स फिजिकल मेंटल कॉगनेशन और इमोशनल एंड सोशल सो दीज आस्पेक्ट्स आर इंक्रीजिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड विद द इनक्रीज इन द एज ऑफ ह्यूमन बींग्स सो डिवेलपमेंट मीन्स ओवरऑल ग्रोथ इन द होल पर्सनैलिटी ऑफ अ ह्यूमन बींग इट इज़ अ कंटिन्यूस एंड ग्रेजुअल प्रोसेस स्किनर कह रहा है कि इंसान अपनी कंसेप्शन से ले कर और पैदा होने के बाद मरने तक जी उसकी पर्सनैलिटी में तब्दीलियाँ आती हैं उसका नाम डिवेलपमेंट है जब तक हम हरकत में रहते हैं जब तक हम जिंदा होते हैं हम हरकत में रहते हैं और इसी तरह से इन्वामेंट के साथ इंट्रैक्शन के साथ एक तो तब्दीली आती है आपकी उम्र के हिसाब से एक तब्दीली आती है इन्वामेंट से इंट्रैक्शन के साथ मुख्तु किस्म के लोगों के साथ मिलना किस्म के घर के माहौल मुख्तु किस्म के आपके जो आपके गली मोहल्ले का और स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी के जो माहौल हैं पेयर प्रेशर है टीचर्स के साथ इंट्रैक्शन है मुख्तु किस्म की कम्यूनिटी पीपल के साथ आपकी इंटरेक्शन होती है उन सबके मिलने से जो आपकी पर्सनैलिटी में चेंज आता है उसका नाम डिवेलपमेंट है तो डिवेलपमेंट इज़ ओवरऑल एंड कंटीन्यूस प्रोसेस इट इज़ ओवरऑल चेंज इन द होल पर्सनैलिटी चेंज इन द कॉग्निशन इन द फिज़िकल आस्पेक्ट इन द सोशल आस्पेक्ट एंड इन द इमोशनल आस्पेक्ट तो इमोशनली भी हम ग्रो कर रहे होते हैं हम सोशली भी ग्रो कर रहे होते हैं और हम जो है फिजिकली और मैंटली भी ग्रो कर रहे होते हैं जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं इंसान का जो दिमाग है वो वैसे तो पाँच साल तक जो है नाइन्टी परसेंट कम्प्लीट हो जाता है लेकिन उसकी जो एक्सप्लोरेशन है वो आपकी इन्वायरमेंट की इंट्रैक्शन के साथ आती है कि जिस किस्म का इन्वायरमेंट आपको मिलता है बहुत ज़्यादा एकेडमिक जो है इन्वायरमेंट है तो उसके हिसाब से आपका जो इंटलेक्चुअल इंक्रीज़ है वो उस तरह से होता है इसी तरह से आपके घर का माहौल बड़ा पीसफुल है उस लिहाज से आपकी डेवलपमेंट होती है आपकी सोशल जो लर्निंग है जो सोशल इंक्रीज़ है वो भी बहुत कुछ लोग पैसेव होते हैं कुछ लोग जो हैं बहुत एक्टिव होते हैं जितना ज़्यादा वो उनकी जो सोशलाइजेशन होती है उसी तरह से उनकी जो पर्सनैलिटी है उनका सोशल आस्पेक्ट जो है वो उसमें इंक्रीज आता है तो डिवेलपमेंट जो है ये डिपेंड करती है आपकी उम्र के साथ बढ़ोतरी के साथ साथ आपकी इन्वामेंट के साथ जो इंट्रैक्शन होती है वो किस किस्म की है कितनी है और कैसे है ये सारी चीज़ें आपकी डेवलपमेंट पे असर अंदाज होती हैं इसको हम डेवलपमेंट कहेंगे जो हमारी पर्सनालिटी के फोर एस्पेक्ट्स को कवर करती है or uh, uh, overall the development is a process of change in growth and capability over time due to function of both maturation and interaction with the environment so development is overall growth in the personality of human being and it covers the all aspects of the human personality that interacts with the environment and learns through the environment and brings changes into the human personality